आज आप लोग प्रूफ के साथ दिखलाएंगे कि मेरा जो चैनल था 2 साल के बाद हम स्टार्ट किए, फिर भी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है दोस्तों। क्योंकि मैंने 2022 में अपना चैनल स्टार्ट किया और आज चल रहा 2024, जो कि अभी मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज होने के लिए मतलब ऑप्शन आ गया, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुकेश ब्लॉगर टीम। आप लोग सब कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि 4000 वॉच आवर्स अगर मेरा 12 मंथ यानी 12 मंथ में कंप्लीट नहीं होता 1000 सब्सक्राइबर्स साथ तो क्या होगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और आप लोग को जो कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है, आप लोग को वो सजेस्ट नहीं करते, वो मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाते कि रियल में ये 12 मंथ 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर होगा तब ही। लेकिन आज आप लोग प्रूफ के साथ दिखलाएंगे कि मेरा जो चैनल था 2 साल के बाद हम स्टार्ट किए, फिर भी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है दोस्तों। बहुत सारा कुछ हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट शुरुआत, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप लोग ज़्यादातर फोकस कीजिए अपने पुराना, अगर आपके पास YouTube चैनल है तो आप लोग उसी पे काम कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जो हमारा जो वीडियो होता है वो जल्दी रन करता है पुराना चैनल। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं कि पुराना चैनल पे ध्यान नहीं देते और नया चैनल बना के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि मैं पुराना चैनल पर ही काम कर रहा हूँ और मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज होने वाला है और अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ चुका है। और आज हम बात करेंगे कि 2 साल बाद भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, क्योंकि यूट्यूब ने आज तक कभी नहीं बोला कि आप लोग आज से अगर काम कर रहे हैं तो आज जनवरी से काम कर रहे हैं 2024 से, तो लास्ट दिसंबर में जो है मेरा, उसके बाद अगर वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होता 4000 वॉच आवर्स तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, बट ये गलत सोचते हैं, क्योंकि मैंने 2022 में चैनल अपना शुरुआत किया और 2024 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ गया है। चलिए इसी पे हम बात करते हैं कि कैसे ये मुमकिन होगा। और आप लोग हमेशा पुराना अपने YouTube चैनल उसी पे आप काम कीजिए तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पुराना अगर आपका YouTube चैनल है तो उस पर आपका ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइबर ऑलरेडी बहुत लोग का रहता ही रहता है, तो आप लोग उसी पे फोकस कीजिए। और वीडियो जो रन करता है बहुत जल्दी रन करता है तो आपको पुराना यूट्यूब चैनल पे ही रन करता है, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सारे समय लग जाते हैं। आप लोगों ने अगर काम किया 2020 में और अभी आप लोग फिर से चैनल अगर शुरू करना चाह रहे उसी चैनल पर तो आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। मान के चलिए आज अभी जो 2024 चल रहा है, स्टार्टिंग है, आपने 2020 में स्टार्ट किया था और 2020 में लगभग 4-5 महीना आपने यूज किया, उसके बाद वो चैनल को बंद कर दिया, कुछ नहीं डाला, फिर क्या मन किया कि आपका 2024 में आपको फिर से मन कर रहा है कि नहीं हमें यूट्यूब पे ही काम करना है, तो आप लोग कर सकते हैं उसी चैनल पे। आपका ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर वो तो गेन किया है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट वॉच आवर जो होगा वो आपको चेंज हो जाएगा। तो अगर आप लोग अगर अभी से काम कीजिएगा, मान के चलिए पुराना चैनल है, अभी जनवरी चल रहा है 2024, तो 2024 में आपने काम स्टार्ट किया है और आपको वॉच आवर्स पे जाना नहीं है। आप अगर आज से काम कर रहे हैं, आज से आप दिसंबर जो आएगा 2024 उसमें आपको 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना है। मान चीजें फिर भी आपका वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होता है दिसंबर में, तो फिर हम लोग एक मंथ आगे चला जाएगा, यानी कि 2025 में जनवरी में नहीं होता है, फिर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में होता है। बट अभी जो आप काम किए आज 2024 में जनवरी में आप काम किए 1 महीना, जो भी मेरा वॉच आवर्स गेन किया 200 मिनट या 200 घंटा या 300 घंटा, तो वो आपका ख़त्म होते जाएगा। मात्र आपको काउंटिंग ही करना है कि 12 महीना में ही आपको कंप्लीट करना है 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, और एक अच्छी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि मैंने जब चैनल अपना शुरुआत किया था तो मैंने
लगभग 3 महीना में मैंने अपना जो चैनल है उसे मोनिटाइज कर लिया था, जो अभी आप लोग मुकेश ब्लॉगर देख रहे हैं। इसमें चैनल पे क्या हुआ था कि मेरा 3 से 4 वीडियो वायरल हो गया था। मैं रेगुलर काम करता था इस पर, डेली वीडियो डालता था उस टाइम, क्योंकि मैं फ्री रहता था, मैं डेली एक वीडियो डालता था। और आप लोग को 1 यानी 4000 वॉच आवर्स में 2,40,000 मिनट आपको कंप्लीट करना है, जो कि ईजी है और हो ही जाता अगर आप लोग रेगुलर काम कर रहे हैं तो। 2,40,000 अगर आपका एक वीडियो भी, अगर मान के चलिए 5 मिनट का वीडियो है, अगर आपका 1,00,000 व्यू आता है 5 मिनट का वीडियो, तो आपका ऐसे ही अगर 2.5 मिनट का भी पेंट्रेशन से देखेंगे तो आपका एक वीडियो पे आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा दोस्तों। और हमेशा याद रखिए कि आपको पुराना चैनल पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो जो वायरल होता है वो पुराना चैनल पे ही आपका वीडियो रन करता है, क्योंकि मैंने ये खुद किया दोस्तों। और हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको रियल में मेरा चैनल मोनिटाइज हो रहा है कि नहीं रहा। आप लोग भी सोच रहे कि ये गलत बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है। देखिए ये जो है मेरा मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और ये ट्यूब स्टूडियो हम ओपन कर चुके हैं। देख रहे पहला वाला जो है 3000 वॉच आवर्स वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और सब्सक्राइबर तो लगभग 4000 मेरा ऑलरेडी हो चुका है। देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे चुका है। नीचे देख रहे मेरा सब्सक्राइबर भी दिख रहा है 3862 सब्सक्राइबर, 3560 वॉच आवर, जो कि 4000 जो कंप्लीट करना तो वो नहीं हुआ, बट 3000 वाला मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मोनिटाइज मेरा चैनल ऑप्शन आ गया और लगभग 10 से 15 दिन में मेरा ये भी मोनिटाइज, मतलब 4000 वॉच आवर्स वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम 3000 वॉच आवर्स वाला पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और आगे देखिएगा रियल में मेरा चैनल मोनिटाइज होता है कि नहीं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया टैब खुलेगा। देखिए यहाँ पे मोनिटाइज के जो ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे देख गया स्टेप वन में अगर हम देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए रिव्यू बेस्ड टर्म्स कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। आपको एसटीडी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स क्लिक किए, एक्सेप्ट टर्म्स जैसे ही क्लिक करते हैं मेरा जो पहला स्टेप वन है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए वो स्टेप वन मेरा डन हो चुका है। आप देखिए स्टेप टू पे हम जाते हैं, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। अगर आप लोगों का गूगल एडसेंस ऑलरेडी अगर बन चुका है तो आप लोग देखिए मेरा ऑलरेडी एडसेंस बना हुआ, क्योंकि मेरा ये चैनल मोनिटाइज है और हम इसी एडसेंस पे हम लॉगिन करना चाह रहे थे। मेरे पास है तो यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो मैं यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट कर देना है। अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो इसके बाद आपको नया एडसेंस अकाउंट बना लेना, वो भी ऑप्शन दिया है। तो मेरे पास है तो हम यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक, फिर से मेरा सर्च ले रहा है। अब मेरा यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो है ईमेल आईडी वो खुल चुका है, जो एडसेंस अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉगिन कर रहे हैं, देखिए मेरा अपना ईमेल आईडी हम इस पे डाल दे रहे हैं और इसके बाद अपना जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। ये पासवर्ड भी हम अपना जो है वो डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, देखेंगे नया टैब खुलेगा। देखिए ये जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे चुका है और अपना मोबाइल नंबर हम इसमें, जो मेरा मोबाइल का जो है उसमें पिन आता है वो हम डाल देते हैं सेंड। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दे दिया, मोबाइल नंबर हम डाल के सेंड कर देते हैं। अब जो मेरा वेरिफिकेशन के लिए कोड आया होगा उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए मेरा कोड आ चुका है, अब हम देखिए ये कोड जो है वो हम इसमें डालते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो है सर्च ले रहा है
अब देखिए मेरा एडसेंस जो है ऑलरेडी बना हुआ, वो मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। सारा डिटेल्स मेरा यहाँ पे आ जाता है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। हम आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और इसको सेटअप करना, सेटअप अप अकाउंट, ये जो है यही जो मेरा चैनल है तो उसी को हम सेटअप कर देते हैं। देखिए ये रिडायरेक्ट टू यूट्यूब एडसेंस पे जो है वो मेरा सर्च ले रहा है। देखिए स्टेप टू भी मेरा ऑलरेडी डन हो चुका है। देखिए स्टेप थ्री पे क्या होता है कि मेरा जो चैनल है वो रिव्यू पे चला गया। ये 14 दिन का टाइम लेता है बट 24 घंटा में ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई भी वीडियो, अगर आपका अपना कंटेंट है तो ये आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। अगर आपका जो चैनल है, अगर अदर का वीडियो आप यूज किए हैं तो आपका चैनल कभी मोनिटाइज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट आने का बहुत ही खतरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और दिखलाएंगे आपको कि मेरा जो चैनल है वो सही मोनिटाइज हुआ है कि नहीं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो हम ज्ञान के भी बात करेंगे, यूट्यूब के बारे में आपको रिव्यू देंगे कि कैसे कैसे आप वीडियो को रन कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी यूट्यूब के साथ आप लोग बने रहिए और हम फिर से आएंगे एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो को इन करते हैं, जय हिंद जय भारत।